ये देख सकते हैं आप, एडिया 20-30 सीसी है। तो आप ये पॉइंट देख सकते हैं, ये इन सबसे पहले हम यहाँ से वायरिंग शुरू करते करेंगे। तो आपको एक तार का गुच्छा ले लेना है, ये देख सकते हैं आप, ये तार का गुच्छा हमने ले लिया है। तो अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी, ये रेड वायर है, ये हमारे वॉल्यूम की है, इसे फोन पर लगाएंगे। और अभी हमारी पीली दूसरी वायर है, इसको हम दूसरे पॉइंट पर लगाएंगे। और दूसरे उसके बाद हमारा एक दूसरा ग्राउंड, इसको हम ग्राउंड में लगाएंगे। तो ये दो वायर हम बेस के टोन की लगाएंगे, ये ब्लू वाला। हम लगाएंगे और वाइट, इसमें लगाएंगे। और ये रेड वायर हम 5 वोल्ट के लिए, 78.05 के 5 वोल्ट में लगाएंगे। देख सकते हैं आप सभी, हमारे यहाँ पर वायर लग चुकी हैं। और अब हम इसके ट्रांसफार्मर की वायरिंग कर लेंगे आप सभी को। आप सब लोग इसके 3 वायर देख सकते हैं। तो अब हम इसकी ब्लू वाली वायर आपको ये 3 पॉइंट दिख रहे होंगे, ये हमारे ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है। हम ब्लू वायर लगाएंगे, के बाद हमारी ग्राउंड, तो उसके बाद हमारी तीसरी वायर है। तो गाइस अब हम इसके सभी ऊपर की वायर लगाएंगे बेस की। तो हमारा ये उसे प्लस में लगाएंगे, और ये दूसरे वाला ग्राउंड। अब हम इसकी शॉकेट की वायरिंग करेंगे। हमारी नीली वायर इसमें लगेंगे ग्राउंड में, और ये हमारी व्हाइट वाली वायर, और ये हमारी ग्रीन वायर 12 पॉइंट मिलेगी। तो अब हम इसके स्पीकर के वायर कनेक्ट करेंगे। देख सकते हैं आप 3 पॉइंट, ये आपको यहाँ रेजिस्टेंस के पास दिख रहे हैं। अब हम यहाँ हरी वायर सबसे फर्स्ट पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। और ग्राउंड बीच में, और ये वाइट वायर इधर। तो आप देख सकते हैं हमारी स्पीकर की वायर कनेक्ट हो चुकी है। और अब हम इसके आगे की वायरिंग कनेक्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारी आगे की वायर्स हैं, आप इन्हें टोन में और ब्लूटूथ पैनल वाले में कनेक्शन करेंगे। तो अब हमें 147 के का टोन चाहिएगा। आपको ये 2 ग्राउंड के पॉइंट का कनेक्ट कर लेने हैं, और आपको एक 3 गैप चाहिएगा। अब ये हमारी रेड एंड येलो वायर साउंड की है,
ऊपर हम येलो वायर लगाएंगे और दूसरे पॉइंट पर रेड वायर कनेक्ट कर देंगे और ये हमारी 7805 की वायर ऐसे हम बाद में लगाएंगे। ये हरी वायर आपको ग्राउंड में कनेक्ट कर देनी है। अब ये हमारी ये हमारा प्लग लेफ्ट और राइट चैनल के लिए है, इसे हम बीच में लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी वायर कनेक्ट हो चुकी है और ये ग्राउंड है, हम इसे ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये अब हमारी बेस ट्यून 100 के, इसकी राउंड हम लाइट की वायर लगा देंगे जिससे हमें पता लग जाएगी हमारा 100 चालू है। प्लस में हम इसका ये वाला पॉइंट कनेक्ट कर देंगे। आप ये आवाज़ सुन सकते हैं, मैं अब आपको आवाज़ बढ़ा कर दिखाऊंगा।